पलसाणा तालुका कक्षानो कला महाकुंभ तेमज युवा उत्सव 2022 नु आजे एसडीजे इंटरनेशनल स्कूल खाते आयोजन करायो हतो, जेमा तालुकानी 54 शालाओए भाग लीधो हतो। सूरत जिल्लाना पलसाणा खाते तालुका कक्षाना कला महाकुंभनो आयोजन करवामां आव्यो हतो। युवक सेवा अने सांस्कृतिक प्रवृत्तिओ गांधीनगर आयोजित जिल्ला युवा विकास अधिकारी अने जिल्ला रमतगमत अधिकारी कचेरी सूरत द्वारा आ आयोजन करायो हतो। पलसाणा खाते आवेल एसडीजे इंटरनेशनल स्कूलना सहयोगथी पलसाणा तालुका कक्षानो कला महाकुंभ तेमज युवा उत्सव 2022 एसडीजे स्कूलमां योजायो हतो, जेमां दीप प्रागट्य तालुका पंचायत प्रमुख भाविनीबेन पटेल, उपप्रमुख योगेश राठोड, तालुका पंचायत सभ्य देवेंद्र सिंह, आचार्य संघ प्रमुख सहित अनेक महानुभावोनी हाजरीमां करायो हतो। मारू नाम संदीप कुमार राठौर छे, हूँ पलसाणा तालुका उपप्रमुख तरीके हाल में पदेन छूँ। आज रोज रमत गमत युवा ने सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग कमिश्नर कचेरी गांधीनगर तरफ थी आयोजित कला महोत्सव अने युवा उत्सव नु आयोजन एसडीजे इंटरनेशनल स्कूल खाते करवामां आव्युं छे, जेमां मारी साथे पलसाणा तालुका पंचायतना प्रमुख श्री वैशालीबेन पटेल तेमज मारा साथी सदस्य पलसाणा तालुका पंचायतना देवेंद्रभाई कपलेटिया तेमज विविध संस्थाओना आगेवन तेमज विविध शालाओना आचार्य अने घणा बधा उत्साहित बाळको जे कला अने पोतानी जे कला अने पोतानी अंदर रहेली जे काबिलियत छे ए अहीं प्रस्तुत करवा उपस्थित थया छे। माननीय सरकारशी द्वारा तरफथी के खरेखर भारतनी भूमिनी कला अने जे संस्कृति छे ए विश्व फलक ऊपर आवे एना माटे आजनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आ कला महाकुंभमां वक्तृत्व, निबंध लेखन, चित्रकला, भरतनाट्यम, एक पात्रीय नाटक, लोकनृत्य, रास गरबा, समूह गीत, तबला, हार्मोनियम जेवी अनेक स्पर्धाओ योजाई हती अने आ स्पर्धामां विजय थयेली टीम जिल्ला कक्षाए प्रतिनिधित्व करशे। आजे युवा बाळ अधिकारीनी कचेरी थकी रमतगमत पलसाणा तालुकानो एसटी जैन इंटरनेशनल स्कूलनी अंदर युवा महोत्सव अने कला महाकुंभनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। एनी अंदर सरकार प्राथमिक शाळा 26 जेटली प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा 10 अने नॉन ग्रांटेड 28 जेटली શાળાઓએ ભાગ લીધો છે અને બાળકો 600ની ઉપર બાળકો આજે અહીંયા સ્પર્ધાની અંદર ભાગ લઈ રહ્યા છે। તાલુકા કક્ષાના કલા મહાકુંભ કાર્યક્રમમાં પલસાણા તાલુકાની 54 જેટલી શાળાઓએ ભાગ લીધો હતો। બાળકોમાં રહેલી કલા પ્રત્યેની સુસુપ્ત શક્તિ બહાર આવે તે હેતુ સાથે આયોજન કરાયું હતું। એક તરફ જ્યારે સરકાર બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા વિવિધ યોજનાઓ ચલાવે છે, ત્યારે પલસાણા તાલુકા કક્ષાની હરીફાઈ ઘર આંગણે યોજાઈ હતી। છતાં પણ જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મામલતદાર તેમજ રમતગમત અધિકારીઓ આ તાલુકા કક્ષાના કલા મહાકુંભ તેમજ યુવા ઉત્સવ 2022માં કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત નહીં રહેતા ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો। ब्यूरो रिपोर्ट, R4U न्यूज़, पलसाणा।